सब बाण भैया ने राम राम और कहानी बतावांगा समझदारी दिखाने वाली बहू की। पसंद आओ सब्सक्राइब करियो कमेंट करियो। एक परिवार में पढ़ी लिखी बहू थी और वह अपने ते ज्यादा समझदार किसान को नहीं समझा करती। नी सोचती सब ते ज्यादा समझदार मैं इसूँ, पढ़ी लिखी भी मैं इसूँ, आप पूरा मुल है मैं, मेरे जिसी कोई को नहीं। तो वह उसकी सास जो भी काम कराया करती तो उसने बार बार टोकी जान दी। हाँ सास भाई माँ जी ये काम इस तरह मत करो, इस तरह करो। तो वह ज़्यादा समझदारी दिखाने का कारण मतलब ज़्यादा वो रक्टिंग कराया करती तो वह घर में किसी का पसंद को नहीं आया करती, बहुत कम पसंद थी। हाँ टोका टाकी करी जानती नहीं, सोचती कि मैं हूँ सब कुछ भाई, न तो क्या ही को ज्ञान न को नहीं, न्यू कौन देखा करती भाई ये बड़ा है उम्र में भी भाई क्यों मैं तो ज्ञान ही मैं भी है। हाँ तो एक दिन वह उसकी सास से दवाई ली थी, तो दवाई लेती देख के न आई जल्दी सी के बोले अरे माँ जी ये क्या ले रही हो, आपको पता नहीं बार बार दवाई खाने से तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर वह बोली बेटा जो भी दवाई डॉक्टर तबूझ की ले ही जाने वह बहुत बढ़िया हुआ है, जब डॉक्टर ने मेरे ये बताई सया दवाई खानी तो इससे बढ़िया और के हैं। न्यूका की वह सास चाल पड़ी तो वह बहू आ गई कुशन मेरी तो कोई मन नहीं को नहीं, मैं तो चाहे कितनी समझा लो मैं तो न समझाऊँ हूँ और न समझदारी की बात बताऊँ सूँ फिर भी क्या मैं कोई समझे। हाँ क्या मैं कोई समझे। तो वह सारी बार न्यू मतलब बात बात पर उन टोकी जा रहे वह उसकी उन तो जो उन सही लागे वही बढ़ करें। हाँ डॉक्टर की बताई हुई दवाई ली तो बताबो तो कि ना। फिर पार्क में गई, पार्क में वो जो उसको सुसरो तो वो पानी दे पौधान पार्क खिल रहा अच्छा बढ़िया बढ़िया फूल ला रखा। तो जाके बोली पिताजी पानी तो ना मौसम के अनुसार पानी देना चाहिए, खाद खूत भी बराबर देनी चाहिए, आपको पता है ना पानी किस तरह देना है तो पता होना चाहिए आपको। तो फिर वो बूढ़ा ने सोची जब मैं पानी देऊ हूँ जब इतना दिन होगा पानी देती इसी बढ़िया क्यारी खिल रही है ऐसा बढ़िया गमला से हाँ ऐसा पौधा है जब इन पौधा के मना हो तो भाई ये भी इसकी शिक्षा के वो ज़्यादा पानी दियो जा है। तो फिर वो बोले बहू तो ही बता दे किस तरह दिया कर पानी कौन सी खाद गेरिया कर कौन सा मौसम बढ़िया हुआ है पौधा खातर इसका बारे में मन तो कोई ज्ञान को नहीं। हाँ मन न तो ज्ञान को नहीं इसका बारे में न्यू करे अन पौधा पानी तू ही दे दी। हाँ किस तरह देनो है पानी मन तो इतना ज्ञान को न्यू कर तू ही दे मैं पानी। उसका हाथ हम पड़का नलकी पकड़ा के न चाल पड़े चाल पड़े। तो सोची उसने कह गुस्सा मांगी अच्छी तो सलाह दो फ्री मन ने ऊपर हाँ ऊपर तो मन के समझे ही को नहीं। मेरा जैसी पढ़ी लिखी बहू समझदार बहू पूरा मुलायम को नहीं और मैंने कितनी सलाह दी हूँ फिर भी मन के मना समझे ही सलाह हाँ के मैं कौन समझे। और मैं तो इस परिवार में मतलब शादी करके आनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ इस घर में मेरी कोई इज्जत है को नहीं, ना मेरी कोई बात मानना है ना मेरी कोई सलाह ले, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ इतनी समझदार हूँ। तो सारो परिवार दुखी हो रही है उसकी बात बात पर टुकाई करे वाह कोई क्यों मैं बोला कोई क्यों मैं बोला। हाँ खाना बनाओ है तो वह टुकाई कर दे भाई इस तरह खानो मत बनाओ या चीज़ खानी चाहिए करणों के माते करे कि तो वह सलाह देने में बिजी रहा करती मैं। हाँ वह सलाह देने में बिजी रहा करती पढ़ी लिखी थी अब मैं तो पढ़ी लिखी भी ज़्यादा हूँ सलाह मेरे तो ज़्यादा किसी ना वो कोनी समझदार कोई कोनी मोला है कोनी। तो न्यू सोच की नरवा भाई सलाह देती हंडिया करती सब ने काम कितने कर। हाँ पार्क में दिवा है पानी सुसरन। तो फिर बसारा न्यू बतलाया किस तरह ही बहुत है सबक सिखावा जिद बात मैंने
भाई सुधार तो करना ही पड़ेगा, बार बार टोकी जागी नु के काम चल रहा है। हाँ सब ने टोका है, और आप जिसी किसान समझे को नहीं काम को नहीं करे, तो वह सोच साँच की सारा इकट्ठा हो कि मैं अरे एक दिन वाऊ की सासू बोली बहू ने बेटा मैं वह जो त्रिपड़ो साड़ी आंटी है उसके घर में जाके आऊँ सू, उसने वाकई में सलाह मांगे थी मेरे ते और उसने सलाह दे के आऊँगी। हाँ बब भला मैं एक बार त्रियंटी कन जाए आऊँ तो इतने काम कर लिए कि बोले अरे रुको मम्मी जी आप क्या सलाह दे के आओगे, हाँ आप तो जो बात बनी बन रही होगी वह बिगड़ जाएगी आपकी सलाह से, आपने की सलाह देनी आवा है क्या, मैं दे के आऊँगी आंटी के घर में मैं जाऊँगी सलाह देने हाँ मैं दे के आऊँगी आंटी के घर में सलाह, हाँ मैं समझाऊँगी मेरा जिसी पढ़ी लिखी समझदार कोई बहू को नहीं है मोलन, और मैं आंटी जी ने बहुत बढ़िया गा समझा के आऊँगी। तो सासू तो चाहवा ही नहीं थी कि यार जा, उन बेरो थो कि यार जागी तने जान को नहीं देजे बहू उसका आगे कही ना, तो वह एक लीन निकट जाए बिना बताए, और पड़ोसन भी समझाए रखी थी उसने कि भाई इस तरह वो पड़ोसी भी तंग और पड़ोसी यार बेरो है ये बापा ने बेरो लाडो किसी से, हाँ संतरा की सब ने बेरो अपन किसी है, हाँ किसी है, तो पड़ोसन की रून की तो बात आपस में हो रही थी, तो वह गई आंटी जी राम 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 राम, आंटी जी मैं आ गई आपने के सलाह चाहिए थी, बोली बेटा तू आ गई मैंने तेरी सासू बुलाई थी तू मन के सलाह देगी, जिन्हें बोली नहीं नहीं मम्मी तो ज़्यादा सलाह तो मैं दे दूँगी अपने मेरा जैसी सलाह तो पढ़ी लिखी कोई को नहीं, हाँ मेरे जैसी सलाह कोई को नहीं दे सका, बता किसके बारे में सलाह चाहिए आपने। तो फिर वह पड़ोसन बोली बेटा मैं तो समझदार हूँ मन्ने तो किस चीज़ की जरूरत को नहीं किस के बारे में को नहीं बूझनी, अरे चल तन मैं जिसने सलाह लेनी सर ना मैं उसके दौरे ले चलो उसका चल। तो वह लेगी एक कमरे में उस पड़ोसन की सास थी बुढ़ी, उसके दिमाग में थोड़ा बहुत फर्क भी हो रहा था जब वह बुढ़ी थी सुती थी वह बेड पे, ले जाके नर बोली बेटा इसने सलाह देनी से इसने सलाह दे जो या मेरी सास है इसने सलाह दे, हाँ मैंने तो बेरोई से तो राजी हो रही आके बूढ़ी अंत में सलाह दे दूँ मेरा बूढ़ी लुगाई के मुझेगी क्या क्या ज्ञान है नहीं इसने पड़ी से खाते में क्या सलाह देगी, हाँ इसने तो किसे डाल भी बुला दूंगी बुला दूंगी। तो जाके बोली हाँ माँ जी बताओ अपने के सलाह चाहिए क्या कबारा में बुझनी से, तो वह बोली बत क्या कबारा में बताओगी तुम, बोल तू किम बुझ जाएगी उससे कबारा में सलाह दे दूंगी मैं, तो बोली बता जीवन के बारे में बता मन जीवन के हो सर, तो बोली जीवन जीवन तो संघर्ष हो है जीवन संघर्ष किस तरह हो है इसने मन खोल की बता। तो फिर वह बहू बोली जीवन माँ जी कोरो कागज हो सर और उसमें कागज में क्यों मैं भी लिखा ने वो है अपन जीवन हो सर, तो बोले मन ने तू के समझाओगी पागल तन खुद अन्य मेरा जीवन के हो है तन्नू नहीं मेरा जीवन के हो है तू तू मन के समझाओगी, हाँ तो फिर बोली ना देखे माजे जीवन न्यू हो सर न्यू बता न्यू सोच तेरे जिंदगी में तन के खोयो के तन पायो इसके बारे में तू सोच वो जीवन हो सर, तो बोली मेरी तो एक वाली खोई थी वह भी पागी मेरी तो जिंदगी में एक बाली एक खोई थी और वह भी पागी, हाँ और मन्ना तो किम खोयो और ना मन किम पायो ना मन किम लियो, हाँ मेरी जिंदगी में किम कोई खोई एक बाली खोई थी। तो वह बहू भाई आगे गुस्सा ना के पल्ला पड़ गई मेरा आने में के समझाऊँ या किम नहीं समझ सका मूर्ख सया बता पड़ा टॉपिक लाग गई मैं गावन, तो बुढ़िया कड़क थी उस तरह मैं बोली तू मन के समझाओगी तन खुद अनज्ञान को नहीं
और ऊन न्यू कहे सब एक बहुई सी समझदार, बहुई सी समझदार है ऐसी पढ़ी लिखी तो न्यू कही थी, तो वह थोड़ी सी मुस्कराई आग बड़ाई सी होगी मेरी हो। हाँ आग भाई मैं तो बहुत समझदार हूँ हाँ बेरा कौन। फिर जब उसने न्यू कही ना कतन बेरो को नहीं जीवन का बारा में जीवन के हो है जिंदगी हाँ जानती रहूरत को जरूरत को नहीं मेरे कन खड़ी रहने की, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाह और आइंदा मेरे घर में मत आ जाइए, के समझाओगी तुमन के ज्ञान देगी तन खुद देने को नहीं बेरो दुनिया वो ही करे सर ज्ञान ज्ञान है उसमें ज्ञान है पढ़ी लिखी कितने ज्ञान की भरी पड़ी सर तो मुश्किल होगी बहु ने के मुँह लेके जाओ उल्टी के बताओ मैं के समझा के आई सुन हाँ ना। फिर लकड़ी रूम तो बार बुढ़ी आड़त है लकड़ी तो सासू भी खड़ी ससुरो भी खड़े और पड़ोसन भी खड़ी उन्हें बेरा तो यह के सुन के आवेगी भीतर है और वह उनने सबक सिखाने खातर वह खड़िया था उनने खातर उनने वो प्लान बनाए तो लकड़ती वह दिखा श्याम जिद लागी सुबकन एक माँ जी केस है मेरी तो नहीं कोनी हाँ बात काट दी मेरी तो आकत के मैं समझ में कोनी आई जी तो ससुरो बोले बहू क्यों ना समझ बोली माँ तो इसने कि मैं कौन समझा पाई तो फिर बोली क्यों ना समझा पाई तू तन तो पोता का भी बारह भी ज्ञान तो वही पोता किस तरह लाया करें पानी किस तरह दिया करे कौन सो पानी दी किस टाइम पानी दियो जाए कौन सो खाद दियो जाए जब तन पौधा का बारे में इतने ज्ञान थो तो तू एक बुढ़ी आन को समझा सकी हाँ। फिर वह सास बोली तन तो गोलियाँ का बारे में भी दे रहा था भाई कौन सी गोली लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए और फिर भी तू ये बुढ़िया नहीं समझा सकी हाँ तेरा जितने ज्ञान तो किस ने को नहीं तो लागी फिर सुबह कने माँ जी मेरी गलती होगी आपने तो मेरी आँख खोल दी मेरे तो ज़्यादा ज्ञान तो अपना ही है मैं तो अपने हाँ घमंड में पागल हो रही थी भाई घमंड हो रहे थे मेरे तो पढ़ाई को मेरे जब वह कह करें भाई मैं कौन कह करी इतनी ओली खा रखी हैं इस तो फालतू और कान बेरोस हैं तब हाँ जित पढ़ी लिखी कितनी हो जाओ पढ़ी लिखी के साथ अक्कल होनी भी जरूरी हो सारी बाणा ने राम राम कहानी पसंद आई हो सब्सक्राइब करियो कमेंट करियो और जिस सबक उस बहु ना आयो इस सब ना चाहिए।